नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में नाबालिग से हैवानियत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन बच्चियों के साथ दरिंदगी की खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला राजधानी भोपाल से सामने आया है, जहां एक बार फिर नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आरोपी पुलिस को पकड़ से दूर है। वहीं आरोपी को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। ये पूरा मामला खजूरी थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक विशेष समुदाय की एक नाबालिग का आरोपी ने अपहरण किया, 3 दिन तक अपने चाचा के घर बलात्कार किया। 3 दिन के बाद आरोपी और उसका चाचा नाबालिग को बस स्टैंड पर छोड़कर भाग गए। आरोपी और पीड़िता दोनों अलग अलग धर्म के हैं। फिलहाल आरोपी और उसका चाचा दोनों फरार हैं। दुष्कर्म की शिकायत पर खजूरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन दुष्कर्म की घटना पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शासन प्रशासन इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। इस मामले में रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाना खजूरी सड़क द्वारा FIR दर्ज की गई थी। नवीन जो BNS धारा है, BNS एक्ट है, उसके तहत हमने 137(2) की कार्रवाई करी। और इस चूँकि बच्ची 18 वर्ष से कम के हैं, इसलिए ऐसे मामलों में पुलिस तत्काल जो है त्वरित कार्रवाई करते हैं, उसकी तलाश शुरू की। हमारे यहाँ से हमारा स्टाफ लगातार 2 दिनों तक लगा रहा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये जरूर है कि जो अपहर्ता है उसके घर वाले जो है जागरूक एवं सक्रिय थे, इस कारण से हमें उसकी सुराग और सूझ जो है उनके माध्यम से मिली, और उनके माध्यम से प्राप्त होने पर इसमें जो है अपहर्ता को बरामद करने में सफलता मिली। सर, अपराधी की अभी तक गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? अपराधी अभी हम लोग तलाश रहे हैं, और अपराधी आरोपी जो है वो यथाशीघ्र पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी हमारे पास जो टीमें हैं वो हमने लगातार लगाई हुई है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।